भाई कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद कहना नहीं चाहते हैं, पहले चाय आ गया है। चलिए हम लोग पहले चाय आ गया है, रोशन हो जाएंगे घर पे, हम लोग चाय पियेंगे। देखिए व्हाट्सअप गाइस, तो हम जा रहे हैं रोशन चंदू से मिलने और ये डीजे विकास, हम दोनों भाई जा रहे हैं। आगे आकाश है, वहाँ के बाद टीम के तीन बंदे हम जा रहे हैं रोशन चंदू से मिलने। तो आज का व्लॉग आपके लिए यही होगा। एक गाइस, तो अभी पहुँच चुके हैं मधुबनी आर के कॉलेज के पास, तो विकास भाई का कुछ काम है तो काम कर लेते हैं फिर चलेंगे और मिलते हैं चंदू भाई से, फिर बताएंगे आपको कैसा। आप तो ब्लॉग देख के समझ ही जाइएगा क्या मिलना है, कैसे कैसे सब कुछ दिखाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, एक एक आगे से आगे। आप देखते रहिए विकास भाई, ये भी आगे भाई देखिए और दिखाएंगे आगे भी, तो वीडियो में बने रहिए प्लीज। कॉलेज का कुछ काम था ना तो वो करवा रहे हैं, बाकी बात मिलते हैं आगे रास्ते में। एक गाइस, तो हम पूछे पहुंच चुके हैं झंझारपुर गांव में और अभी लोकेशन तो मिला नहीं, फाइनल नहीं हुआ है कहां पे जाना है हमको। ऐसे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, भैया के बारे में, चंदू भाई के बारे में, और वहाँ के बाद ये विकास ड्राइविंग कर रहे हैं और हम हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको भी, हम भी मिलते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहे दोनों भैया, मिलते हैं आपको भी मिलवाते हैं। और इधर होगा पीछे होगा आपको वही खतरनाक रंगा भाई आ रहा है वो आकाश जी, फिर चलेंगे आप फिर आते हैं फिर चंदू भैया से, वहाँ के बाद अभी रुके हुए हैं काम है तो रुके हैं। एक आज तो रोशन चंदू का घर पता लग गया है, तो हम जा रहे हैं, देखिए इतना पानी नहर में था ना उसको हेल कराना, वहाँ के बाद हम चल रहे हैं। ठीक है पहुँचते तो मिल रहा है भैया से रोशन चंदू से, तब तक बने भैया हमारे ब्लॉग में। ठक ठुक ठुक ठाक। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंदू भैया के घर पे और दिखा रहे हैं आपको, लेफ्ट लेफ्ट मिलवाते हैं उनसे पहुंचने के बाद। हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं झंझारपुर के चौक पे और चंदू भैया के लिए मिठाई ले लेते हैं या कुछ, होटल में अभी चल के दिखाते हैं आपको। और ये डीजे विकास, हम दोनों मिल के लेने जा रहे हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये देखिए ये मिठाई सब है, देखिए देखिए कौन सा सिलेक्ट होता है, फिर रहेंगे। तो ये मिठाई है, ये लिए हैं और ये दुकानदार है भाई साहब, आपको भी देखा कि क्या मेरा ऑडियंस आ रहे हैं, इधर आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। और ये मिठाई पैक हो गया हम अब। हे गाइस, तो इसमें मिठाई है और इसमें समोसा। व्हाट्सअप गाइस, तो देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का रास्ता, देख रहे हैं चंदू भैया का घर का रास्ता है ये, देखिए ये झंझारपुर का थाना है और जाम होने के कारण यहाँ पे देख रहे हैं आप, जाम होने के कारण हम धीरे धीरे चल रहे हैं। और थाना में देखिए, थाना से आगे थोड़ा जाके ना एक रास्ता जाता है, बस वहीं से आपको अंदर लेना है, वहाँ के बाद आप गांव में पहुँच जाइएगा। ठीक है, इतना ट्रक जाना है, हल्का आगे जाना है, यहाँ देखिए ये अंदर लेना है आपको, लेफ्ट साइड लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, देखिए यहाँ पे एक आपको घर दिखेगा। हे गाइस, तो ये तार का पेड़ जो आपको दिख रहा है ना, यही है रोशन चंदू भैया का घर, देखिए ये यहाँ पे बाइक लगा हुआ है ना, ये घर है, देखिए ये घर है हम। एक गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोशन भैया के घर पे, चलिए मिलते हैं आपको, दिखाते हैं और मिलाते हैं कैसा है, चलिए फाइनली कैसे रहते हैं, इनका पूरा बायोडाटा आपको दिखाएंगे, आइए। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अंदर आ जाइए सीधे। और ये है रोशन भैया, देखिए देखिए इनका घर, देखिए ये ठीक है। और देखिए ये इससे पहले जो शूट हुआ था ना वो उनका सेटअप बना रखे हैं।
और ये है रिंग लाइट, और देखिए भैया का यह सारा सेटअप है यहाँ पे। रिंग लाइट देखिए, खतरनाक। यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा ये रोशन भैया यहाँ पे सोते हैं, देखिए। अच्छा ये पूरा रूम का सेटअप है इनका, देखिए। और ये हमारे तो फाइनली हम लोग रोशन भैया के रूम पे पहुंच चुके हैं, और आपको दिखा दिए हैं कि ये रोशन भैया का रूम है, और ये हमारे रोशन भैया है यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए कि इतना नॉर्मल सा गांव में रह करके, आप इतना सा छोटे गांव में रह करके नॉर्मल फैमिली से इतना जल्दी अगर सक्सेस प्राप्त अगर किए हैं, तो उसका राज क्या है, क्या मेहनत किए, किस तरह से किए, घंटा काम किए, ये सब बताइए आप, सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताएं, ये मेन बात है, आप कोशिश कीजिए कि भीड़ से थोड़ा अलग कीजिए। जैसे कोई कुछ कर रहा है तो उनसे थोड़ा अलग करने का कोशिश कीजिए। वो मैं भले ही उसके पूरा हटके ना कीजिए, लेकिन थोड़ा भी तो हटके कर सकते हैं। तो मतलब हमने वही किया कि मान लीजिए उसका कुछ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा अलग किए, तो ये है मतलब थोड़ा सा अलग करना है। तो समझ गए क्या बोले रोशन भैया जी, वैसा ही करना है तो मार्केट में जल्दी आइएगा और अच्छा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बेहतर बने और किसी का मैच ना हो, खुद का बनाए। हाँ। हिंदी में भी बनाते थे और बीच में अपना भाषा भी यूज करते थे। हाँ, हर चीज ट्राई कीजिए, मान लीजिए कभी उसके साथ बनाइए, कभी उसके साथ बनाइए, कोई ना कोई तो जरूर वायरल होगा। हमने यही ट्राई किया। ठीक है, तो इसी कोशिश में हम भी लगे हैं, और आप हमको देख रहे हैं तो अभी एक क्रिएटर है, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। और ऑडियंस देखने वाले हैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा प्लीज। और रोशन भैया का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, कभी चैनल नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ। आप जाके विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। इन्हीं रोशन भैया से हम मिलने आए हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहे हैं। चलिए भाई कुछ कहना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, पहले चाय आ गया है। चलिए हम लोग चाय आ गया है रोशन भैया के घर पे, हम लोग चाय पियेंगे। हमारे साथ सिंगर भी आए हैं, उधर बैठे अमरनाथ जी। चलिए ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए, आपको और कुछ दिखाते हैं। तो मैंने पीछे से लेके तो हो चुका है नाश्ता खाना सब कुछ खत्म, और बहुत मस्ती की है रोशन भैया के साथ। और अब यहाँ से आप विदा लेते हैं, और शाम भी हो गया है, तो हमको भी थोड़ा यहाँ से 2 घंटा का सफर है। तो रोशन भैया कुछ कहना चाहते हैं, देखिए क्या बोलना चाहते हैं। लास्टली यही है, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, वहाँ की मेहनत तो है भाई, मेहनत तो है, आप जो बोलेगा वही होगा। कोशिश कीजिए अलग कीजिए थोड़ा, और उसके बाद जो होता है सब टीम वर्क तो है ही साथ में जी। ठीक है भैया, तो ठीक है चलते हैं फिर। ठीक है चलिए गाइस, ये मधुबनी में मेला लगा था, आपको वो दिखा रहे हैं अभी। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं मधुबनी, मधुबनी के इंद्रपुरा का मेला में। तारीख है 9 तारीख, समय हो रहा है 7 बज रहा है, तो हम आज मधुबनी आकर ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं और दिखाते हैं कि वीडियो में क्या क्या है और क्या मेला में क्या 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 है, हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा पूरा मेला है ये मधुबनी, बहुत बड़ा मेला है। ठीक है, देखिए हमारे साथ हम ही घूमते हैं, हमारे साथ देखिए कैसा है, क्या क्या झूला है, वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। से निकल रहे हैं अभी, ज़्यादा लेट हो रहा है अभी, आपका टाइम हो गया होगा, कितना का हो गया है? 7:58 हो गया, यानी 8 बजने वाला है, तो निकल रहे हैं हम, मिलते हैं ऑफिस में, मिलेंगे बताएंगे।